डी ए स्टूडेंट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग्यूपमेंट यूज एंड इट सिग्निफिकेंस ग्रुप ऑफ प्रोटेक्टिव डिज डायरेक्टली प्रोटेक्ट अर्कर अगेंस्ट है वर्क एनवायरमेंट वो जो ग्रुप ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस है वही आपके लिए होता है शुड मीट सिलेक्शन क्राइटेरिया डेट कंसीडर दर्क एनवायरमेंट कंडीशन आपको ये जान के खुशी होगी डी ए स्टूडेंट्स के हर एक वर्किंग एनवायरमेंट ऑर्गनाइजेशन का डिफरेंट होता है कहाँ पे किस जगह पे कौन सी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उसका जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और नंबर टू एक बात और जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस किस्म का सख्त काम आपने करना है उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का वियर करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके काम की जो नेचर है वो हार्ड किस्म की है अगर उसके मुताबिक कंपेटिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप नहीं पहनेंगे तो चांसेस है कि वहाँ पे किसी किस्म का मेजर एक्सीडेंट हो सकता है एग्जाम्पल पर्सनल क्लोदिंग प्रोटेक्टिव क्लोदिंग हैंड एंड फुट प्रोटेक्शन हैड प्रोटेक्शन हयरिंग प्रोटेक्शन आई एंड फेस प्रोटेक्शन रेस्परेटरी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉलिंग फ्राम हाइट ये वो पाँच सात दस चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्पल्स हैं इन एग्ज़ाम्पल का डीजिए स्टूडेंट्स ये मतलब है कि अगर ये 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 चीज़ें आप पहन लेंगे आटोमेटिकली काफ़ी हद हाँ तक आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करके किसी किस्म के मेजर एक्सीडेंट से बच सकते हैं आइसोलेशन प्रिकॉशंस ये दिए दिए stop isolation, stop stop, stop, ये स्टूडेंट्स देखें स्टॉप आइसोलेशन स्टॉप आइसोलेशन स्टॉप स्टॉप ये साइंस हैं सिग्नल्स हैं इन सब की कुछ डेफिनेशनस हैं आप अगर इनको गूगल करेंगे इनकी डिटेल आप जान लेंगे मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ अगर कहीं पर स्लिपरी आपका फर्श है तो वहाँ पे आप लिख के साइनबोर्ड लगा देते हैं एरोसाइन लगा देते हैं इन्फ्लमेशन का साइन लगा देते हैं आग जल रही है वहाँ पर आप आगे क्लास लगा देते हैं इसका मतलब है कि स्मोकिंग इज़ प्रोहिब्टर फायर यहाँ पे अलाव जो फायर है वो नहीं यहाँ पे यूज हो सकती या आगे आप नहीं लगा सकते नजदीक उसके फर्ज करें कि कोई किसी किस्म का आतशीत मादा है तो ये सारे जो साइन है ये हमें कुछ मैसेज दे रहे होते हैं जब आप इन मैसेज को सिग्नल को समझना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली काफी हद हाँ तक आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं वट इज गोइंग रॉन्ग डिड नाट टाई द गॉन एंड बोथ द नेक एंड वेस्ट गॉन मैंने पहना हुआ है फर्ज कर मैंने ऐसे गॉन पहना है उसकी जो नेक है और वेस्ट है उसकी जो ट्राई प्रॉपर तरीके से मैंने नहीं बांधी हुई तो उसका क्या नुकसान हो सकता है अगर फर्ज करें कि आप किसी ऐसी मशीन पर काम कर रहे हैं और हवा वहाँ चल रही है किसी किस्म की चाहे सीलिंग फैन से या पेडिस्टर फैन से और वो गौन आपका हवा में ऐसे मूव कर रहा है तो जिसकी वजह से वो उसके अंदर आके किसी किस्म की बेसिक मेजर इंजरी का बायस बन सकता है डेड नाट प्लेस मास्क स्टैप्स प्रॉपरली डेड नाट प्रॉपरली सील द मास्क टू द फेस अगर आप प्रॉपरली मास्क को फेस के ऊपर नहीं लगा रहे देन वाट विल हैपन इसका नुकसान भी स्टूडेंट्स ये हो सकता है अगर वो प्रॉपरली फेस आपने जो मास्क है फेस के ऊपर वो यूज़ नहीं किया तो अगर वहाँ से किसी किस्म की हवा अंदर एंटर हो रही है तो वो जो केमिकल्स हैं वो तो आपकी सांस के दस्ते आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे तो वो जो फेस मास्क आपने पहनना था उसका जो बेनिफिट है वो आप खो जाएंगे डिड नाट कंडक्ट अ सील चेक जब ये प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाए उनके ऊपर सील थी या नहीं थी क्या वो पहले से यूज तो नहीं थे तो इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब आप लोग टीथ निकलवाने आपका दांत निकलवाने जाते हैं कहीं पे तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर हैं उनके पास जो जहाँ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो सारे पहनते हैं आपको भी पहनाते हैं और जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो बेहतरीन नीट क्लीन वाश्ड होते हैं और पैकिंग में होते हैं ताकि किसी किस्म का जो जरासीम है वो आपके मुंह के जरिए बॉडी के जरिए दांत के जरिए जिसम का हिस्सा ना बन सके और किसी किस्म की प्रॉब्लम का बायस ना बन सके इसी तरह रिमोट पोटेंशियली कंटेमिनेटेड आई प्रोटेक्शन फ्राम द रूम कहीं इस ऐसी जगह आप जाते हैं जहाँ पर कंटेमिनेशन है अल्ट्रा वायल्ट रेज हैं उसके प्रिकॉशनरी मेजरमेंट आपको सारे लेने होंगे यूज पोअर टेक्निक्स फॉर गॉन रिमूवल गॉन्ड को ख़त्म करना है रिमूव करना है प्रॉपर उसके जो टेक्निक्स हैं उनको यूज आप नहीं कर रहे डेड नॉट यूज प्रॉपर मास्क रिमूवल टेक्नीस डेड नॉट यूज वॉल माउंटेंट हैंड सैनिटाइजर बिफोर एग्जिटिंग एग्जिटिंग द रूम रूम से बाहर निकलते हुए आपने प्रॉपर वो जो हैंड सैनिटाइज करने हैं उनको साफ़ करना है वो नहीं कर रहे डिड नाट डॉफ इक्विपमेंट्स इन डी डी सी रिकमेंडेड सीक्वेंस अब ये रिकमेंडेड सीक्वेंस क्या है इसका ये मतलब डी स्टूडेंट्स होता है कि जो काम पहले करना चाह रहे हैं उसके लिए जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने हैं वो पहने उसके बाद उनको रिमूव करें कैसे उनको यूज करना है कैसे आगे चलना है इन सब चीज़ों को आप लोगों ने वन बाई वन करना होता है ताकि काफ़ी हद हाँ तक वो सीक्वेंस आपको बताता है कौन सा काम पहले करना है कौन सा काम आखिर में करना है आप डिड नाट रिमूव ग्लव्स फर्स्ट समटाइम आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो कि ग्लव्स की मदद से हो सकता है लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो ग्लव्स की मदद से नहीं हो सकते यू हैव टू रिमूव यूर ग्लव्ज टू डू देट टास्क अब जो काम ग्लव्ज़ की मदद से करनी है तो उसमें ग्लव्स पहनना लाजम है और जो काम ग्लव्स के बगैर करने हैं लेकिन आई प्रोटेक्शन यूज़ करनी है या ईयर के अंदर कुछ चीज़ें यूज़ करनी है या हेड के ऊपर आपने कैप यूज़ करनी है तो हर एक काम को करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपने यूज़ करनी है यूटिलाइज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंटरफेयर विद प्रोवाइडिंग गुड पेशेंट केयर प्रॉपर वे में उन चीज़ों को केयर के साथ पेशेंट वॉज नॉट इन्फेक्टेड अगर आप किसी पेशेंट के पास हैं वहाँ पे तो उसको कैसे आपने डील करना है एक्सीडेंट हो जाता है उस सिचुएशन को कैसे डील करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपने पहने हुए हैं तो बिलीव भी काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं और लास्ट द पर्पज ऑफ असाइनमेंट समाइम हम देते हैं लोगों को टू जज वैदर स्पेसिफिक इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट थ्री रिज कैन बी अपलाई टू द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नॉन कम्पलाइंस इन हॉस्पिटल अगर हॉस्पिटल में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वमेंट ना पहने जाए बिलीव में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा सीम फैल सकते हैं और वहाँ पर सेहतमंद होने की बजाय बहुत सी बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं इसलिए यह लाजम है कि जो भी आर्गनाइजेशन है चाहे वो मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस ऑर्गनाइजेशन है हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज है हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने चाहिए आपको वो तमाम पहन के जाना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके